जो बंदा मिल चुका है ना मुस्तफ़ा को, इसने मुस्तफ़ा को करना है कामयाब, क्योंकि इसको पता है कि भी मुझे मुस्तफ़ा की ज़रूरत है और मुस्तफ़ा को इसकी ज़रूरत है। ये बंदा बड़ा अरबोपति है और मुस्तफ़ा जो है वो अभी इसके पास एक बहुत अच्छा माइंड है। असल में यहाँ पर सरजीना की लाइफ जो है ना वो हमें इस तरह की इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि सरजीना को हम इस तरह की लड़की देखते हैं जिसे पैसे दौलत में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट ना था और ना ही है। आगे जो हमें देखने में मिलेगा कि यहाँ पर मुस्तफ़ा तक भी ये बात पहुँच जाएगी कि अम्मा अब्बा का घर जो है ना वो बिक चुका है, और मुस्तफ़ा को जब पता चलेगा तो वो बहुत शदीद गुस्से में आएगा और वो कहेगा कि अदील को तो मैं वाकई ही नहीं छोड़ूंगा, वो एक घटिया और लालची इंसान है, मैं नहीं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगा हमारे माँ बाप के साथ। पहले तो माँ बाप यहाँ पर अपने बेटे मुस्तफ़ा को निकम्मा निखट्टू कहते थे ना, अब उनको हकीकत पता चलेगी कि कितनी की निकम्मी है यहाँ पर रुबाब और कितना घटिया दिल है उसका, क्योंकि बहुत जल्दी वो अपने शोहर को कहेगी कि मेरा घर जो है ना इट्स नॉट एन और